जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। तू मैं हम करेंगे। हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? मेरे से तेरी सफेद ज्यादा, सर ज्यादा सफेद हुआ। बेकार योजना है ये, लंबे अरसे की बीमारी आई है। हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सर झुका करके आपका आदर करता हूँ। ये नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। मोदी के संसद सूत्र की बात करेंगे क्योंकि शुरुआत मोदी ने सुलह के रास्ते से की और तल्खी दौर के साथ बढ़ती रही, लेकिन क्या ये सुलह का रास्ता इसी अंदाज में तय हो पाएगा? चर्चा करेंगे खास मेहमान। इस चर्चा के बीच हमारे बीच मौजूद हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति केएल कमल साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक रमन नंदा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ हैं, कुछ देर में आर्थिक मामलों के जानकार जयसिंह कोठारी जी हमारे बीच मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले चलिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अंदाज को एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं, फिर से देखते हैं कि राहुल गांधी ने कल क्या बोला और किस अंदाज में आज मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था रोजगार का, 2 करोड़ जॉब्स मैं हिंदुस्तान के युवाओं को हर साल दूंगा। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। हम कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। मैं इसको इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि पूरे देश को मालूम होना चाहिए यूपीए ने क्या गलतियां की। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं, मनरेगा की बात चल रही है, मनरेगा में हम पैसा डालेंगे, मनरेगा को हम ऐसे करेंगे, मनरेगा को हम वैसे करेंगे। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। कुल मिलाकर के शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से चली है, ऐसे राज्यों में नरेगा का, मनरेगा का मैक्सिमम उपयोग हुआ है, लेकिन जहां सचमुच में गरीबी है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां इसका कम से कम उपयोग हुआ है। मतलब ये गरीबों को टारगेट करके पहुंचाने में हम उतने सफल नहीं हुए हैं और इसलिए हमारी दायित्व तो बनता है कि हम इसको और अधिक परफेक्ट कैसे बनाएं। 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स के माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वह गरीब है, क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि वह दलित है, क्योंकि वह आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछा रहे, पीछे का पीछे रहे, और हम ये नहीं होने देंगे। ये सदन सिर्फ इस ईर्ष्या भाव से काम करने के लिए नहीं है कि मेरे से तेरी सफेद ज्यादा, सर से ज्यादा सफेद क्यों है, ये ईर्ष्या भाव के लिए नहीं है। मैं मानता हूं जो आलोचना हो रही है हमारी, माननीय अध्यक्ष जी, आलोचना इस बात के लिए नहीं हो रही है कि हमने कुछ गलत किया है, चिंता इस बात की है कि तुम हमसे अच्छा क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। चलिए आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला किया और हंगामे के लिए जिम्मेदार बताया
ऐसे में एक सवाल खड़ा हुआ सुलह के सूत्र का, क्या नरेंद्र मोदी के सुलह सूत्र पर संसद सूत्र पर पार्लियामेंट चलाई जा सकती है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय बताएंगे। firstindianews.com हमारे वेब पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा में नफा नुकसान के प्रमोटर आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। रमन नंदा साहब, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में मुखातिब आज लोकसभा में हुए, उसको लेकर क्या देश की भावनाएं आहत महसूस की जा सकती है? नंदा साहब, यदि एक परिपक्व बहस के रूप में देखा जाए तो मैं सबसे पहले अपनी एक आपकी जांच से छोटी सी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। कि लोकसभा के भाषण में ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी भाषण दे रहे हो और प्रधानमंत्री मोदी खड़े इंतजार में, एक ने एक बात बोली, दूसरे ने काट किया, फिर बात बोली, इस परिपाटी पर तो बहस हुई नहीं थी। राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया, रिप्लाई दिया टू द होल डिबेट। तो कई बार हम टेलीविजन पर जब इस नाटकीय तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करते हैं तो लगता है कि वार और पलटवार, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया है, जहां तक मैंने सुना है। तो ये कहने का मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि ये जो आपका सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले सुलह सूत्र से, मज़ेदार बात थी कि वो फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने खुद अपने ऊपर ओन नहीं किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने इंदिरा गांधी को कोट किया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को कोट किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला है एक दूसरे की बात सुनना और फिर जवाब देना, और संसद एक गंभीर चर्चा का एक मंच होना चाहिए, तो ये नरेंद्र मोदी और उनसे पहले के प्रधानमंत्री विपक्ष ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का हवाला दिया था। बीती मर्तबा जब विपक्ष में बीजेपी थी उस दौरान जेटली के कुछ कोट्स थे, कुछ सुषमा स्वराज ने कहा और एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा। ये दरअसल यही जो गेम है, एक दिन आप बोले दूसरे दिन मैं बोलूंगा, और दोनों ने एक दूसरे का जवाब दिया। जो मुद्दे थे, जिस बात का इंतजार देश कर रहा था, क्या इस दौरान वो बातें देश को मिल पाई? दोनों की बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी भी और नरेंद्र मोदी भी। देश क्या इंतजार कर रहा था? देश का कोई रेफरेंडम तो नियमित तौर पर करता नहीं है। तो देश की जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, भारतीय जनता पार्टी के, अन्य पार्टियों के, तो फिलहाल तो यही मान के चलेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व देश का अन्य पार्टियों के थ्रू हो रहा है और बात सामने आ रही है। जी जी, मैं जोड़ना चाहता हूँ इसके बीच में कि चूंकि धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा थी और उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति बोल के गए हैं और उन पर जो बातें लोगों को उम्मीद बनी थी, और हाउस में जिस तरीके से उस धन्यवाद प्रस्ताव पे बोला गया, उसके बाद में जो कुछ होगा तो उस पर टिप्पणी करेंगे, बजाय, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि बजाय उस पर टिप्पणी करने के, उन्होंने मात्र प्रतिपक्ष में जो कुछ राहुल गांधी बोलते रहे और उनकी सरकार के बारे में जो कुछ कहते रहे उसी का जवाब वो देते रहे, जबकि कहना उनको ये चाहिए था कि हमने राष्ट्रपति के माध्यम से। रमन नंदा साहब ने एक बात कही कि मैं राहुल गांधी को कोर्ट कहीं पर नहीं किया गया, जो फॉर्मूलाज दिए गए वो कांग्रेस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बातें की जाती है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता। राजनीति में संकेत होते हैं, संकेतों से स्पष्ट हो रहा था कि राहुल गांधी टारगेट बने हुए हैं और राहुल गांधी को जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट बनाया था और अपनी बात में उन्होंने उसी तरीके से बातें की थी जिस तरीके से आपने कंपोजिशन करके बताया। इंटरेस्टिंग लगे इस तरीके से, मेरा ख्याल है आपने जो पेश किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना अंदाज है, लेकिन हो सकता है कि ठीक है कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोग इससे ना इत्तेफाकी भी रखे, लोकतंत्र की यही भावना है। लेकिन हमारा मतलब है सीधा सा, जो लोकतंत्र लोकसभा में दो दिन हुआ उसको छोटे में समेट कर, क्योंकि एक घंटे की डिबेट में आज अगर समेटा जाए तो नरेंद्र मोदी सवा घंटे बोले हैं, कैसे क्या कुछ हो पाएगा। खैर सफाई नहीं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते। केएल कमल साहब, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा, इस अंदाजे बयां को आप क्या कहेंगे? अश्विनी जी, अभी नंदा जी और ओम जी जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूँ। हमारी संसदीय गरिमा खत्म हो चुकी है। आप देखिए प्रारंभ का देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। इससे तो स्कूल के बच्चों की जो डिबेट होती है ना वो ज़्यादा शालीनता लिए हुए होती है। किस तरीके की बात करते, इश्यू पे तो बात करते ही नहीं। मैं एक उदाहरण दूंगा, पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नेहरू गवर्नमेंट के खिलाफ आचार्य कृपलानी लाए थे। नेहरू जी ने, कृपलानी जी के साथ सिर्फ 3 लोग थे, नेहरू जी के साथ बुलडोजर मेजोरिटी थी, 360 लोग थे उस समय कांग्रेस के, और नेहरू सर्वमान्य नेता थे। नेहरू जी ने उसको डिसमिस भी कर सकते थे एक एक पॉइंट को, उन्होंने बैठ करके नोट्स दिए जैसे कोई स्टूडेंट नोट्स देता है और एक एक का जवाब दिया। 45 मिनट तक नेहरू बोले,
यहाँ तो इशू भी अब जैसे आज सवा घंटे बोले हैं नरेंद्र मोदी, और मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए थे एक एक सवाल पर जवाब मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा हूँ जी सर, जैसे अश्विनी जी आप देखिए कि जैसे राहुल जी ने कहा कि काले धन को आप सफेद करें, वादा आपने क्या किया था कि काला धन हम लाएंगे, विदेश से लाएंगे और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे, मोदी जी उसको स्किप कर गए बिल्कुल ही, और बातें इधर उधर क्यों, मतलब इश्यू बेस्ड डिस्कशन नहीं होता है, कोई चीज फोकस पर आती नहीं है, इधर उधर के आरोप प्रत्यारोप हंसी मजाक, ये संसदीय गरिमा नहीं होती है, तो बड़ी शर्म की बात आती है। अब सुन क्या रहे हैं जी जी बिल्कुल, इश्यू बेस्ड तो डिस्कशन होता ही नहीं। मतलब जयसिंह कोठारी साहब आपके पास मैं आऊंगा, मोदीनॉमिक्स पूरे देश में चर्चा का मुद्दा है, और राहुल गांधी को अगर कल के भाषण पर गौर किया जाए, मेक इन इंडिया को उन्होंने टारगेट किया, रोजगारों की बात उन्होंने की, और इन दोनों बातों का ताल्लुक सीधा सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के कारोबार से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के 1.5-2 साल के जो कार्यकाल का वक्त है उस दौरान इन मुद्दों पर कहीं काम हुआ है या फिर सवाल किए जाने चाहिए, वो बहस में आगे इस पर भी बात हुई? देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि जो हमारी पॉलिटिकल स्थिति देश की बन रही है या पॉलिटिशियन की या राजनीतिक सिस्टम की पॉलिटिकल सिस्टम की, उसका मेन जो आधार है या मेन कारण है कि हमने एक ये आर्थिक विकास का जो मॉडल अपनाया है उसको ये कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो कांग्रेस ने भी यही किया, बीजेपी यही कर रही है कि हम भाई वेलफेयर के लिए पैसा बांटो और आर्थिक विकास करो, ग्रोथ करो, उसका एम ऑब्जेक्ट और ये कोई मतलब नहीं है, वो मार्केट तय करेगा कहाँ पैसा जाएगा, कौन ले जाएगा, क्या होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस मॉडल में जब भी होता है तो ये कन्फ्यूजन जो है ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, 10 तरीके की बातें जो है वो होती है, और मेरा ये मानना है कि अभी ये बिगनिंग का दौर है, अनेक वर्षों तक ये दौर चलेगा, तो चाहे कोई भी सरकार हो इस तरीके की चीज़ें रहेगी। जब भी ये दौर आता है, जीएसटी पर भी बात हुई, राहुल गांधी ने कहा था तो नरेंद्र मोदी ने कहा आप ही का बिल है, वो चाहे किसी का भी बिल हो, वो अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे किसी का भी बिल हो और हमारा कमिटमेंट है, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो उनको भी ये करना पड़ता, जब हमारा इंटरनेशनल हमारा कमिटमेंट है कि ये हमको करना है तो सरकार प्रयास करेगी। तो जो भी चलिए आर्थिक सुधारों के दौर में हम चल रहे हैं, सरकार मुश्किलों के दौर में भी है, नरेंद्र मोदी ने भी माना, और कहीं इस बीच में आरोपों की बात फिर से आती है, पॉलिटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स की लड़ाई है जी, तो जो इकोनॉमिक्स है वो आने वाले समय में पॉलिटिक्स को कटघरे में खड़े करके रहेगी। चलिए पूरे संसद के हालात की बात करूंगा, ब्रेक पर जा रहा हूँ सर, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे ही मुखातिब होऊंगा। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। मोदी सरकार जिन वायदों के साथ इस देश में सत्ता में आई, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की जो सोच है वो तो भविष्य की सोच है, और इस की सोच से एक आम आदमी को, भारतीय एक आम नागरिक को बहुत कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन इस बीच में जो दौर गुजरा है, जो कुछ भी हम सब लोगों के सामने आया है, और खासकर ये बजट भी हमने देखा है, तो ये कहीं किसी भी एंगल से ऐसा लगता नहीं कि मोदी जी भविष्य की सोच वाले नेता है और उनकी सोच से इस देश के आम आदमी का कोई भला होगा। 2 साल के कार्यकाल को देख के ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार गरीबी पर लगाम लगाने में सफल रही है, क्योंकि महंगाई पर किसी तरह का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है, और महंगाई जब तक नियंत्रित नहीं होगी तब तक गरीबी दूर नहीं हटाई जा सकती। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, तू मैं हम करेंगे, बेकार योजना है, ये लंबे अरसे की बीमारी आई है, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। सर झुका करके आपका आदर करता हूँ, ये नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है।